क्राफ्ट मेले में सभी तरह की घरेलू उपयोग सामग्री उपलब्ध है। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बच्चे अनुकूल सिन्हा, अनुप्रिया, तनुप्रिया, रुचि प्रिया, अमन कुमार, गुलशन कुमार, रोशन कुमार और साहिल कुमार द्वारा सामूहिक उद्घाटन किया गया। मेले के व्यवस्थापक श्री राजेश कुमार, रोहित चौरसिया और संजीव गुड़किया ने बताया कि इस मेले में हस्तशिल्प और हैंडलूम सामानों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस मेले में 22 राज्यों के कुल 100 स्टॉल लगे हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं देखने और खरीदने को मिल रहे हैं। यह मेला 14 अगस्त 2022 तक चलेगा। क्राफ्ट ऑफ इंडिया मेले में इस बार बच्चों के लिए प्रतिदिन रंगारंग कार्यक्रम और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसका संचालन रोशन राज द्वारा किया जाएगा। बच्चों का रंगारंग कार्यक्रम एवं मेले के आकर्षण को देख गया शहर के एलाइड इंटरनेशनल स्कूल के सह निदेशक श्री सुजीत कुमार सिन्हा सहित गण्यमान्य लोग आश्चर्यचकित रहे। इस मेले का मुख्य आकर्षक बांस से बने हुए वस्तुओं के साथ साथ टेराकोटा जूट उत्पाद, मिथिला पेंटिंग, अल्पिक वर्क की साड़ी, राजस्थान जयपुर से आए मार्बल के प्रोडक्ट्स, गुजरा का बंधेज सूट एवं साड़ी, राजकोट का आर्टिफिशियल ज्वेलरी, मधुबनी पेंटिंग, भगलप्पू साड़ी, डल चादर एवं लेनिन, बनारसी साड़ी, ओपल वर्क की साड़ी और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको एक ही छत के नीचे खरीदने का मौका मिलेंगे। खाई आपको दिखाएगा कि ना क्राफ्ट मेला डिज्नी लैंड वाले जो हमारे चाचू हैं वही फिर से लेकर आए हैं। और यहाँ एक से एक चीज़ें हैं जो आपको घर में भी हमारी शोभा बढ़ाएगी। सब लोग यहाँ आकर एक बार ज़रूर घूमेंगे। सारा एक से एक प्रकार के सामान है। शहरवासियों से क्या अपील करना चाहोगे यहाँ आने के लिए? यही अपील है कि एक बार यहाँ ज़रूर आकर देखें, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। सामान देख के एकदम मन खुश हो जाएगा, खरीदने का मन करेगा। क्या नाम है आपका? इस मेले में आइटम हैंडीक्राफ्ट का आया है, सहारनपुर का फर्नीचर है और आसाम का बंबू है और सिलीगुड़ी से भी लकड़ी का आइटम आया है, बांस उसका अनेकों प्रकार का है। भागलपुर का सिल्क का भी कपड़ा है, साड़ी उड़ी भी है। कोई स्पेशल आइटम है इस क्राफ्ट मेले में जो लोगों को लुभावना लगा? सर ये मेला कितने दिन को है, कितने दिनों तक चलेगा? ये मेला 14 अगस्त तक चलेगी इस शहर में। कुल कितने स्टॉल लगाएगा? कुल 120 स्टॉल लगाए गए हैं। शहरवासियों से क्या कहना चाहेंगे? मैं शहरवासियों से अपील करेंगे, पूरे फैमिली के साथ आइए इस मेले में एक बार ज़रूर। क्या सुरक्षा की व्यवस्था की गई है यहाँ? सुरक्षा के लिए व्यवस्था किया गया है, हमारे सिक्योरिटी अपना गार्ड है और भी प्रशासन से सहयोग मिल रहा है। यहाँ सीसी कैमरा से भी लैस है इस मेले में। परिचय दे दीजिए। मैं इस मेले का आयोजक राजेश कुमार। आइए। इंडिया मेला हर साल लगता है सावन के महीने में, जो कि इस बार हम लोगों ने इस सावन महीना में आयोजन किया है। यह मेला का शुरुआत 2 दिन पहले ही होने वाला था, लेकिन बारिश के कारण काम थोड़ा विलम्ब हो गया, जिसके कारण शहरवासियों को 2 दिन डिले हम लोग प्रोग्राम दे पा रहे हैं। और यह मेला करीब 14 अगस्त तक चलेगा। इस मेले में सर, क्राफ्ट ऑफ इंडिया मेले में आप देख सकते हैं पूरे भारतवर्ष से करीब 22 राज्यों से हस्तशिल्प कुशल कारीगर अपने वस्तुओं का बिक्री सा प्रदर्शनी कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पहले नंबर स्टॉल पे आप हम लोग बुक की स्टॉल लगी हुई है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि कन्नौज का चंदन फेस पाउडर की लगी हुई है, एक से एक चंदन की बहुत सारा प्रोडक्ट उनके अगरबत्ती है और भी बहुत सारा प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आप जाइए तो देखिएगा कि फुलकारी का सूट है, पंजाब का फुलकारी सूट है जो कि बहुत फेमस सूट होता है। तो लगभग यहाँ अभी तक हमने क्राफ्ट ऑफ इंडिया मेला लगाया था 2019 में ये स्टॉल हमारे पास आई थी, उसके बाद आज हमारे पास ये स्टॉल आई हुई है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि राजस्थान की जूती वगैरह भी है, अचार वगैरह भी हैं और भी है, जैसे सहारनपुर फर्नीचर है, सहारनपुर का गिफ्ट आइटम का स्टॉल है, खादी बंडी है, मोदी बंडी है, खादी शर्ट है, उत्तराखंड खादी भंडार का भी खादी वस्त्र है और आपको यहाँ पर फर्नीचर भी मिलेगा। और आसाम का बहुत ही स्पेशल आइटम है, बहुत सारा छोटे छोटे यूनिक प्रोडक्ट है आसाम का बम्बू है, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा क्योंकि वो सारा प्रोडक्ट वहीं तैयार होता है और हम लोग स्पेशल उनको बुलाते हैं क्योंकि गया में भी काफ़ी टाइम से ये लोग आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा लोग डिमांड करते हैं। ये लोग जब भी आते हैं तो समझिए कि उनका प्रोडक्ट एक भी नहीं बचता, मतलब मेला का समापन से 2 दिन पहले ही ऑलमोस्ट उनका सारा सामान यहाँ ख़त्म हो जाए। तो उनको भी हम लोग बहुत रिक्वेस्ट करके बुलाएँ
वो भी अपना सामान वगैरह लगा रहे हैं जो कि गए वासियों को देखने और खरीदने के मौके मिलेंगे। परिचय दे दी रोहित चौरसिया क्राफ्ट सेंटर है, क्योंकि उनका जो आशीर्वाद है, उनका जो मांग होता है, उनके आशीर्वाद के कारण ही हम लोग बार बार लगाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि इस मेले में ऐसी ऐसी सामग्रियाँ होती हैं, ऐसे ऐसे घर को सजाने का सामान होता है जो कि आसानी से नहीं मिल पाता है शहर में। जैसा कि आपको रोहित चौरसिया जी ने बताया कि 122 राज्य का यहाँ पे सामान लगे हुए, स्टॉल लगे हुए हैं, जैसे चंदन का भी कई सामान है, आपका फर्नीचर्स भी बहुत सारे हैं, क्रॉकरी के भी सामान हैं, लेडीज़ का जो कॉस्मेटिक सामान होते हैं, वो भी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आसानी से शहरों में नहीं मिलती है। घर का साजो सामान के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि आसानी से शहर में उपलब्ध नहीं होता है। साथ ही साथ इस मेले में खाने पीने की भी पूरी तरह से व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है जो कि बिल्कुल स्वच्छ और ये है। और एक आवश्यक चीज़ मैं बताऊँ कि जितने भी परिवार के लोग आएंगे अपने बच्चों को ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि पिछली बार जब हमने मेला लगाया था तो उनका डिमांड था, चूँकि ये रंगमंच जो आप देख रहे हैं उनके बच्चों की जो प्रतिभा अभिभावक बैठ के देखते थे तो उनको काफ़ी खुशी मिलती, उन्हीं के कारण जो है इस बार फिर से रंगमंच का भी हम लोगों ने आयोजन किया है जिसमें कि उनके घर के बच्चे अपनी प्रतिभा को दिखा सकें और माँ बाप उनकी प्रतिभा को देख के खुश हो सकें। और मैं एक बात और बता दूँ कि जितने भी परिवार के लोग हैं बिल्कुल निश्चिंत होकर आए, क्योंकि यहाँ पर जो सुरक्षा का जो व्यवस्था रखा गया है वो आप अपने घर में भी वो अपेक्षा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से यानी कि एंट्री से ही कैमरे सीसीटीवी कैमरा लगाया है और हर जगह पे कैमरा लगा हुआ है, किसी भी तरह का कोई भी आपत्तिजनक स्थिति होने की भी कोई संभावना नहीं है। हम लोग उनका पूरा का पूरा सुरक्षा का भी ध्यान हम लोग रखने के साथ साथ ये आयोजन हम लोगों ने किया। परिचय दे सर अपना। मैं सुजीत कुमार सिंह हूँ।